हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफस्टाइल विद शीर्षा एंड बाकी। सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप सब घर में हैं, सेफ है और अपनों के साथ नवरात्रि मना रहे होंगे। दुर्गा पूजन अनेक अनेक शुभेच्छा सबाई के जाना है। आशा करी सबाई बाड़ीते आछेन एवं आपनजनेदेर साथे प्रचुर प्रचुर आनंद करछेन। हम लोगों ने सोचा किस तरह से हम अपनी नवरात्रि या दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट करें, क्योंकि इस वक्त हम घर से बाहर तो जा नहीं सकते, दोस्तों को घर बुला नहीं सकते हैं, एक बड़ी सी गैदरिंग करके हाहा ही भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपने घर को फेस्टिव सा लुक तो दे सकते हैं। और इसकी शुरुआत मैंने की है अपनी बैल्कनी से। तो चलिए, किस तरह से हमने ये मेकओवर की है वो देख लेते हैं। विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी जो बैल्कनी है, हमारी स्पेयर बैल्कनी है। जनरली हम दूसरे वाली बैल्कनी को ज़्यादा यूज़ करते हैं और यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी कचरा और बहुत सारी क्लटर जमा हो गई है। इसे देखते ही तबीयत ख़राब हो जाती थी और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को टालती रही हूँ। बट थैंक गॉड हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम इसे मेकओवर करेंगे और बहुत सारा मेहनत करने के बाद ये अल्टीमेटली फाइनली साफ हुई और उसके बाद हम लोगों ने जो इस पेंटिंग है वो शुरू की। मैंने यहाँ पे एशियन पेंट्स की जो रॉयल पेंट है वो वाला पेंट यूज़ की है और एग्जैक्टली क्या शेड मैंने यूज़ की है, कौन सी नंबर वाली यूज़ की है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ताकि कभी आप लोगों को रेफरेंस की ज़रूरत हो आप इसे रेफ़र कर सकें। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि अगर कभी आपकी मूड ऑफ हो, आप थोड़ी सी सज सवर ले, थोड़ी सी अच्छे पोशाक पहन ले, तो आपकी मूड तुरंत अच्छी हो जाती है। ठीक उसी तरह से एक ही टाइप की अरेंजमेंट, एक ही टाइप की जगह देखते देखते घर में भी हम बोर हो जाते हैं। स्पेशली इस फेस्टिव सीजन में, जैसे मैंने कहा, इस बार हम बाहर नहीं जा सकते, पैंडल हॉपिंग नहीं कर सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते, वो सब चीज़ें जो हमें ढेर सारी खुशियां देती हैं यही कर सकते हैं। तो कुछ तो चेंजेस घर के अंदर भी किया जा सकते हैं जिससे हमारी मूड थोड़ी सी अपलिफ्टेड हो। और इसके लिए घर में थोड़ी बहुत अरेंजमेंट चेंज करना, थोड़ी बहुत कुशन कवर चेंज करना, थोड़ी बहुत कर्टन्स चेंज करना, लाइट्स लगाना, ये सब करने से बहुत ज़्यादा वो चीज़ इन्हेंस हो जाती है, आपकी मूड भी। देखिए, यहाँ पे मैंने एक पेड़ की पेंटिंग चूज की है। जनरली बहुत जगह पे ये पेंटिंग मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखा है, तो कॉमन देखा है मैंने वो ये है, ये पेंटिंग जनरली ब्लैक से बनाई गई है, ऑरेंज या येलो बेस के ऊपर या तो फिर बेसिक स्ट्रॉ कलर के ऊपर। और बैल्कनी है, बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एरी भी है और लिटेड भी है। यहाँ पे मुझे ऑरेंज और वाइट की कॉम्बिनेशन बहुत ब्राइट लगी कि ऐसा मुझे लगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा बना है। जब आप फाइनल लुक देखेंगे तब खुद जान जाएंगे। अगर इंडोर में आप ऐसी कोई प्लांट, ऐसी कोई ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि आप इस कलर कुछ भी करें उसके ऊपर ब्लैक यूज़ कीजिएगा। इनडोर में मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ही इन्हेंस्ड होगा अगर वो ब्लैक से बने। ऐसे ही छोटी छोटी पत्ते में बना रही हूँ। इसके लिए ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ब्रश में आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कोई स्केच नहीं की है, कोई पेंसिल या कुछ से भी कुछ नहीं बनाया है, मैं डायरेक्टली ब्रश से बना रही हूँ। थोड़ी बहुत ब्रश में आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपको कोई पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेनी है, आप बशर्ते वो कर सकते हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं हमेशा पाखी को इंक्लूड करती हूँ इन सारे कामों में जो DIY स्पेशली मैं करती हूँ या तो फिर फ्लेमलेस कुकिंग मैं करती हूँ, वहाँ पे मैं पाखी को इंक्लूड करती हूँ। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, पाखी भी इन सारी चीज़ों में इंक्लूडेड होना बहुत पसंद करती हैं। तो बेसिकली ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इससे बच्चे की ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट है ना वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनकी लेवल की जो DIY क्राफ्ट्स आर्ट्स होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स होते हैं, वो
तो वो करते ही हैं और बच्चे बहुत ताव से बहुत खुशी से वो करते हैं। अगर बड़ों के साथ भी उन्हें थोड़ी बहुत इंक्लूड की गई तो उनकी इमेजिनेशन बहुत बढ़ती है, जैसे कि स्टोरी रीडिंग हो गई, कोई भी पेंटिंग आना सीखना, ये सब पढ़ाई की पार्ट नहीं है। मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आपकी बच्चे की पढ़ाई पे भी इम्प्रूवमेंट के लिए बैकअप सिस्टम की तरह काम करती है, तो इसीलिए मैं हमेशा उसे इंक्लूड करती हूँ। और इस पेंटिंग में भी उसने मुझे अच्छा खासा हेल्प की है। वीडियो के किसी भी हिस्से में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। देखिए हमारी ये ट्री की जो पेंटिंग है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। ये बिल्कुल फॉल को दर्शा रहे हैं, बहुत जल्द ठंड भी आने वाली है, विंटर आने वाली है, तो वैसे वाली एक फीलिंग भी आ रही है इसे देख के। फाइनली थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने ये थ्री टीयर जो शेल्फ यहाँ पे रखी हैं ये भी मैंने एक्चुअली अमेज़ॉन से ऑर्डर की हैं। सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जो चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी हैं और जो मैंने नहीं भी ख़रीदी है, अगर मुझे अमेज़ॉन में उससे उसकी करीब करीब कोई चीज़ मिले उसी टाइप की, तो मैं उसकी भी लिंक डाल दूँगी। मैं हमेशा से मानती हूँ कहीं भी आप ग्रीनरी ऐड कर देना, प्लांट्स ऐड कर दें, इस जगह की खूबसूरती ही बदल जाती है। ये जो हैंगिंग प्लांटर्स आप देख रहे हैं ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर की है, इसकी भी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। और बैल्कनी तो होती ही है प्लांट्स को लगाने के लिए, आपकी ओपन टेरेस हो गए, आपकी बैल्कनी हो गई, छोटी टेरेस हो गए, कहीं पे भी प्लांट्स जिस तरह से खूबसूरती इन्हेंस कर सकती हैं उस तरह से और कोई नहीं कर सकता। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है प्लांट्स लगाने के बाद। ये जो छोटी सी बर्ड की नेस्ट आपको दिख रही होगी ये पाखी ने अपने हाथों से बनाया है, तो इसे भी मैं गार्डन एरिया में, बैल्कनी गार्डन में रखने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए ये जो दो जेल कैंडल्स हैं एक्चुअली लैंटर्न शेप की हैं, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं पेड़ पे टांग दूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में पेड़ पे सच्चे के लैंटर्न्स टांगे जाते थे, कुछ उस टाइप की फील आएंगी। और बाद में मैंने जब नाइट में इसे जलाया, आप भी देख पाएंगे, ब्यूटीफुल लग रही थी। और ये जो रग देख रहे हैं आप सर्कुलर शेप की, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ली हैं, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी लिंक्स। ये मोड़े मैंने यहाँ पे बिछाए हैं क्योंकि मुझे मोड़ा बहुत पसंद है, एक अद्दी सी लुक आती है मोड़े में। यहाँ पे मैंने एक ट्रे रखा है, ट्रे भी मैंने ही डेकोपाज किया था, वो वीडियो की लिंक भी मैं डाल दूंगी, अगर आपको देखना है तो प्लीज देखिएगा। यहाँ पे मैंने एक जीजी प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए रख दिया है, छोटी सी कैंडल ऐड की है, छोटी सी बुद्धा की मूर्ति एंड डेफिनेटली एक बुक। देखिए किस तरह से आप अपनी फैमिली टाइम को और खूबसूरत और ब्राइट बना सकते हैं ऐसी जगह को मेकओवर करने के बाद। नाउ द फाइनल रिवील, दिन में हमारी बालकनी कुछ इस तरह से दिख रही है, ब्राइट कलरफुल ब्यूटीफुल, इजंट इट। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी कमेंट हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे आपकी कमेंट पढ़ने के बाद। ये है नाइट लुक, लग रही है ना बिल्कुल फेस्टिवल जैसे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमारे चैनल को आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस फेस्टिवल में इस तरह से जुड़ने के लिए।